तो मैं अभी आ गया हूँ रबड़ के एक जो पेड़ होते हैं उनके बाग में। तो रबड़ पेड़ से कैसे निकाली जाती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे वो बनती है और कितने दिन में बन पाती है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ अर्जुन है और मैं हूँ अभी आसाम में, जो कि भूटान बॉर्डर का एक करीबी इलाका है। और फिर अर्जुन बताएंगे। अर्जुन थोड़ा बताइए हाँ, हमारे दर्शकों को क्या है कैसे। ठीक है। मेरा नाम अर्जुन है। हम इधर में रबर में काम करता है। पहले हम लोग ट्रेनिंग ले चुका है, अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसा काटता है। ये सबसे पहले ये पैर है, हम लोग कटेंगे। चले अभी देखते हैं हम कटिंग करेगा। ये सबसे पहले इसको हटाना होगा। ये ट्रीलिप बोलता है, क्या ट्रीलिप। ट्रीलिप, हाँ ये बेकार हो गया। हाँ ये अभी हम काटते हैं। तो एक बार जब पेड़ से वो दूध निकल चुका होता है तो फिर उसको नीचे लाना पड़ता है, पूरा ये हिस्सा ये काट काट के नीचे तक ले आए हैं यहाँ हाँ, पे। ले तो आया। अर्जुन देखिए नया शुरू हो गया, आप हाँ, थोड़ा अभी ये देखिए नया निकलना शुरू हो गया। हाँ, अभी बैटिंग में शुरू हो गया। ये जो कटोरा है कितने दिन में भर जाता है। अभी हम लोग अभी सुबह 4 बजे में काटता है। 4 बजे में काट के 10 बजे जिस समय कलेक्शन करता है। सुबह 4 बजे उठ के काटते हाँ पेड़ों हाँ को, हाँ हाँ तो अंधेरा नहीं होता यहाँ पे। अंधेरा होता है, लेकिन हम लोग का पास टॉर्च है, लाइट है, जो ऐसा अच्छा होना इधर में लगा के। हाँ 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 हाँ, हाँ ये वाला लाइट इस्तेमाल अच्छा, करते हैं। तो सुबह 10 बजे भर जाता है। हाँ, भर जाता है ये काम रोज करना पड़ता है। रोज। अभी आज तो संडे है, इसलिए हम लोग नहीं किया, हाँ कल हाँ तो हाँ रोज करता है। तो मेहनत काम है। सुबह उठ के सुबह 4 बजे ये लोग तड़के जो है इसको काटते हैं, एक इसको एक चीरा लगा के नीचे ले आते हैं और उसके बाद में फिर ये सुबह 10 बजे तक भर जाता है। भरने के बाद इसको यहाँ से लेके जाते हैं अर्जुन, सामने इसकी प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे लेके चलिए। अच्छा मुझे जब तक जाने पर बता दी, ये पेड़ कितने साल का है और कितने साल तक ये चलेगा। ये अभी ये पूरा मैक्सिमम 15 साल जैसा काट सकता है। 15 साल से काट हाँ सकते हैं हाँ इसको। काट अच्छा, सकता इसे नीचे काटते जाएंगे फिर है। ऊपर फिर हाँ काटना शुरू हाँ कर देंगे यहाँ से। अभी ये सिर्फ अभी तो काट के आया है ना, हाँ इधर अभी बाकी है। ये ख़त्म होने से हाँ फिर नेक्स्ट, फिर इस तरफ से। फिर इस तरह से काटना हाँ, शुरू फिर कर इस देंगे। तरफ अच्छा, से। पेड़ के एक हिस्से को हाँ ही काटते हैं हाँ और दूसरी तरफ को एक करना, जब भी दोनों हो हाँ जाएंगे फिर क्या हाँ करेंगे। फिर ये साइड ख़त्म होने से फिर ये साइड। फिर ये साइड आ जाएगा हाँ, अभी इसी ये तरह प्लेन प्रोसेस। प्लेन होकर के अभी आ रहा है ना। हाँ, इसके हाँ ऊपर वो आ रहा है हाँ अभी क्लियर, आ रहा है यानी पेड़ सही। ये लंबे समय चलेगा ये। हाँ, पूरा। तो ये दूध यहाँ से जो है कलेक्ट करते हैं, उसको लेके चलते हैं फिर सामने जो है प्रोसेसिंग प्लांट। अर्जुन आइए। इस पेड़ के बाग में कितने पेड़ हैं। ये 45 बीघा है प्लेन जो। 45 बीघा। हाँ, उसका मैक्सिमम 1200 जैसा बस है। 1200 पेड़। वो रबड़ बाद में कुछ ऐसा बन जाता है, ये इसको प्रेस हाँ किया गया है, हाँ ये प्रेस ये किया एक गया। प्रेस रबड़ है। हाँ, लेकिन इससे पहले इसका एक तरीका है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, वो क्या है वो देखिए। ये इनका छोटा सा यूनिट है यहाँ पे। अगर मैं लेके हम हाँ, तो लोग वो जो आता है उसमें डालते हैं ये। हाँ, ये ट्रे बोलता है, इसमें हाँ डालता है हम लोग। इसमें अच्छा, इसमें वो ला ला के इसमें डालते रहते हाँ, हैं। इसमें डालता है। अच्छा, इधर में वो 2 लीटर और पानी 1.5 लीटर मिक्स करता है। इसके बाद एसिड भी लगाता है, एसिड। तो 2 लीटर रबड़, 10 लीटर पानी और थोड़ा सा एसिड डालते हैं उसमें, फिर इसको मिक्स करते हैं और छोड़ देते हैं इसको। छोड़ देते और हैं, छोड़ने के बाद कल सुबह मशीन में प्रेस करते हैं। दूसरे बाद मशीन प्रेस करती है। ये ऐसा कैसे, जिसको प्रेस करके दिखाएगा एक बार कैसे निकलता है ये। इस प्रेस निकालते हैं, मोटा सा होता है वो। हाँ, और इसको अभी ये तो फिनिशिंग हो हाँ हाँ गई। कोई बात नहीं, दिखा दीजिए बस। इधर में हम लोग 3 बार लगाता है। हाँ दिखाए। हाँ, ऐसा करके हम लोग लगाता है, लेकिन ये बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। ये हम लोग इधर में लगाता है, अच्छा ऐसे। उसके बाद इससे घुराता है हम लोग। हाँ, घूर के फिर निकालता है। अच्छा अच्छा एक बार। अच्छा, फिर इसको यहाँ ले आते हैं, हाँ, इधर में लेके। फिर एक और मशीन में ले आते हाँ हैं। अभी तो ये प्रोसेस मैं सिर्फ तरीका समझाने के लिए है ये, ताकि ये पतला हो जाए और कंप्रेस हो जाए। ये कंप्रेस किया गया है, ये प्रोसेस 2-3 बार किया जाता है, फिर ये बंद करके कुछ ऐसा आ जाता है। हाँ कितने बार करते हैं इसको। इधर में एक बार, उधर में 3 बार। उधर 3 बार, 3 बार हाँ, कैसा निकल आता है। ये ये इधर दो में। किलो प्लास्टिक का है, 2 किलो जो निकला था हाँ उसमें हाँ से हाँ उसका दो, ये है। हाँ दो किलो और फिर इसको बाहर लाकर सुखा देते हैं। आइए हाँ जल्द हाँ से। ये भी सुखा था जैसे। उसके बाद इसको लाके यहाँ पे ऐसे सुखा देते हैं। सही सुखा था। तो ये कितने रुपए किलो जाए, इधर डालिएगा इधर। हाँ, कितने रुपए किलो जाता है ये। ये अभी 170 चल रहा है। ये नेचुरल रबर। तो अर्जुन बता रहे हैं कि अभी ये 170 रुपये किलो हाँ, के एक सौ हिसाब से सत्तर इनका ये बिक्री होता है। तो एक पेड़ साल भर में कितना दे देता है करीब करीब। एक में हम लोग 1200
1200 पेड़ करता है, दिन में 150 कभी 200 लीटर आता है, 150-200 लीटर आता है। अच्छा अभी तो बाग लगाए जा रहे हैं रबड़ के, ज्यादा लोग लगा रहे हैं, पहले थोड़ा कम हो गया था बीच में। तो जो प्राकृतिक जो रबर है वो यही है और ये सबसे अच्छे उसमें गिना जाता है। और कई राज्य हैं भारत में जिसमें रबर प्लांट की खेती होती है, आसाम उनमें से एक है। तो शुक्रिया अर्जुन, आपने बताया हमें, सिखाया हमें। और बाकी बाग है ही, तो ऐसी हमारी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, देश किस हिस्से में क्या हो रहा है, कौन सी फसल कहाँ अच्छी होती है, कहाँ का खाना अच्छा है, कहाँ का रहन सहन कैसा है, उनकी आबादी कैसी है, उनके उनकी ज़िंदगी कैसी है। न्यूज पोर्टली में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उन तक पहुँचाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे न्यूज जो चैनल है यूट्यूब पे न्यूज पोर्टली, इसको सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर आइए, उसको लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।